आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपके साथ मैं रचना बंसल। आप में से जितने लोग प्यार के रिश्ते में रहे होंगे वो जानते होंगे कि भाई जब प्यार करने वाले दो लोग होते हैं उनमें लड़ाई झगड़ा होता ही है। अब जब सीमा हैदर और सचिन मीणा की प्यार की मिसालें दी जा रही हैं, जब सीमा हैदर सचिन मीणा के प्यार में पाकिस्तान छोड़कर अपना पति छोड़कर अपना घर बेचकर चार बच्चों के साथ हिंदुस्तान आ गई हैं, तो लोग कह रहे हैं भाई बड़ा मजबूत प्यार है और इस प्यार की अलग अलग तरीके से मिसाल दी जा रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सीमा हैदर और सचिन मीणा के बीच में भी झगड़ा होता है? हालांकि बड़े बुजुर्ग की कहावत भी कहते हैं कि जहाँ प्यार होता है वहीं पर झगड़ा होता है, लेकिन आप आजकल के कपल्स को देख लीजिए, यंग एज में देख लीजिए या फिर मिडिल एज में देख लीजिए, जब झगड़े होते हैं तो फिर एक्सट्रीम सिचुएशन तक जाते हैं और कई बार तो टीनेजर्स में ये देखा जाता है या फिर उससे आगे की एज में भी ये देखा जाता है कि जब लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो बड़ा सिंपल तरीका रहता है, एक दूसरे से बात नहीं करनी है तो एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं। अब ये ब्लॉक करने वाली सिचुएशन क्या सिर्फ टीनेजर्स के सामने आती है, सिर्फ कॉलेज गोइंग यूथ के सामने आती है या फिर जो मिडिल एज के कपल हैं उनके बीच में भी आती है? ऐसी बहुत से मीम्स आपने देखे होंगे, बहुत सी आपने रील्स ऐसी देखी होंगी, बहुत से वीडियोस ऐसे देखे होंगे जिसमें ये मैसेज होता है कि भाई जब दो लोग बात ना करना चाहें या फिर जब प्यार नफ़रत में तब्दील हो जाए, हालांकि जिससे आप प्यार करते हो उसे कभी नफ़रत आप कर नहीं सकते, लेकिन वो जो डिटैचमेंट होती है दो लोगों के बीच में उसमें कई लोग एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं। सीमा हैदर और सचिन मीणा के बहुत से किस्से आपने इससे पहले भी सुने हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब सीमा हैदर पाकिस्तान में रह रही थी, क्योंकि अभी तो दोनों गुड़ी गुड़ी बहुत ज़्यादा प्यार में एक दूसरे के साथ नज़र आते हैं, लेकिन जब सीमा हैदर पाकिस्तान में होती थी और यहाँ सचिन मीणा हिंदुस्तान में होते थे, दोनों के बीच में बातचीत होती थी तो कई बार ऐसा होता था कि दोनों के बीच में झगड़ा होता था तो सचिन मीणा सीमा हैदर को ब्लॉक कर देते थे। आप समझिए कि सीमा हैदर जो बात करने के लिए बहुत ज़्यादा तड़पती थी, बहुत ज़्यादा बेचैन रहती थी, उन्हें सचिन मीणा ब्लॉक कर देते थे, हालांकि बाद में अनब्लॉक करते थे, तभी दोनों के बीच में बातचीत होती थी और फिर सुलह हो जाया करती थी। और सीमा हैदर बताती थी कि भाई ब्लॉक करना ठीक नहीं था और मुझे ये परेशानी हुई। सीमा हैदर कहती है कि मैं बहुत रोती थी, मैं बहुत तड़पती थी। फिर जब सचिन मीणा से कुछ लोगों ने पूछ लिया कि भाई क्यों आप ऐसा करते थे, तो कई बार तो लड़ाई इसका रीज़न होती थी। कई बार सचिन मीणा कहते थे कि जब मैं काम पर होता था तो बार बार सीमा फ़ोन करती थी, उस कॉल आने से या मैसेजेस आने से डिस्टर्बेंस होती थी और जहां मैं काम करता था वहां मालिक कहते थे भाई फ़ोन बंद कर दे, तेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। तो उन ऐसे केसेस में सीमा हैदर को सचिन मीणा ने ब्लॉक किया है। पहले तो आप सुन लीजिए कि सीमा हैदर किस तरीके से बता रही हैं कि जब सचिन मीणा उन्हें ब्लॉक कर देते थे तो क्या हालत उनकी होती थी। आप सबको बता दूं, जब मैं पाकिस्तान में थी और सचिन मुझसे लड़के मुझे ब्लॉक करते थे तो एकदम से मेरी सांसें बंद होती थी। अगला मैं इस तरह रोती थी, मैं कैसे जीऊंगी जब ये ब्लॉक करते हैं तो मैं मेरा भी नाम ले लो सीमा, मैं पूरी जिंदगी कैसे जीऊंगी इनके बगैर। मैं इस तरह रोई, मैं बहुत रोई। सुना आपने, सीमा हैदर खुद बता रही हैं कि जब उन्हें ब्लॉक कर दिया करते थे सचिन तो गुस्सा भी आता था, घबराहट भी होती थी, परेशान भी बहुत ज़्यादा हो जाती थी। क्या है कि अगर आप एक देश में रह रहे हैं तो एक अलग तरीके की सोच होती है, लेकिन आप जब दूसरे देश में रह रहे हैं और दोनों अलग अलग देशों से बात कर रहे हैं, ऐसे में कोई एक सामने वाला शख्स ब्लॉक कर दे तो जहाँ प्यार होता है वहाँ बड़ी बेचैनी पैदा हो जाती है, न जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगते हैं कि भाई सामने वाले ने क्यों ब्लॉक किया है, दोबारा बात होगी या नहीं होगी, या सामने वाला शख्स ठीक भी है या फिर नहीं, ऐसे तमाम ख्याल सीमा हैदर के जहन में भी आ रहे होंगे। हालांकि बाद में दोनों के बीच में सुलह हो जाती थी और अभी आज की जब पिक्चर्स आप देखते हैं, जब वीडियोज़ आप देखते हैं, तो दोनों एक दूसरे के प्यार में बिल्कुल रमे हुए नज़र आते हैं, दोनों एक दूसरे के प्यार में बिल्कुल डूबे हुए नज़र आते हैं। तो एक तरफ ये प्यार की मिसाल है कि सीमा हैदर अपना देश छोड़ आई, अपने पति को छोड़ आई, अपना घर जो बड़ी मेहनत से बना था उस घर को बेचा, लेकिन सबसे अच्छी बात सिर्फ ये है कि भाई चार बच्चों को वो साथ लाई। अगर बच्चों को पीछे छोड़ आती तब लोग बड़े कमेंट करते या फिर बड़ा क्रिटिसाइज करते कि भाई बच्चों को छोड़ के चली गई। ऐसी बहुत सी कहानियाँ, बहुत सी किस्से आपने सुने होंगे जिसमें माँ अपने बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ चली जाती है, तो यहाँ सीमा हैदर कम से कम अपने बच्चों को साथ लेकर आई हैं। हालांकि सीमा हैदर सही तरीके से नहीं आई हैं, उसको लेकर तो जाँच चल रही है, लेकिन प्यार के किस्से जब आप सुन रहे हैं तो ये भी जान लीजिए कि ब्लॉक भी उसमें होते हैं, अनब्लॉक भी उसमें होते हैं, लड़ाई झगड़े भी उसमें होते हैं। तो अगर आप किसी से प्यार करते हैं या फिर इस तरह से आपके बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं या फिर ब्लॉक अनब्लॉक का ये जो गेम है ये आपके बीच में भी होता है तो उसे दिल से मत लगाइएगा। ऐसे कई सिचुएशन रहती हैं, ऐसी कई बार स्थिति रहती है जिसमें सामने वाला ब्लॉक कर दे, उसका अलग अलग रीज़न हो सकता है,
लेकिन हाँ, प्यार तो प्यार है, प्यार कभी खत्म नहीं होता। सीमा हैदर और सचिन मीणा के प्यार को लेकर आप क्या सोचते हैं बताइएगा।